बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री कनकमल कटरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। मुझे सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की डिमांड पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जल, इन 7 को मिलाकर के अर्थव्यवस्था को और अच्छा व्यवस्था में आगे इस काम को बढ़ा करके निर्माण किया जा रहा है और विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय मार्ग नेटवर्क में 22-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय मार्ग नेटवर्क में विस्तार के 20,000 करोड़ रुपया जुटाए गए हैं ताकि सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण किया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बात कही थी कि देश में अगर आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो सड़क निर्माण करना बहुत आवश्यक है, और यही काम इन्होंने किया जिसके कारण से पूरे देश के अंदर बहुत ही अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ, गांव गांव तक ये सड़क पहुंची है और आज देश के इस आर्थिक स्थिति में मजबूती प्रदान हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब का, आदरणीय वीके सिंह जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इसमें बहुत अच्छी आपने नीतियाँ बनाई हैं और परियोजना के लिए भी बहुत बड़ी योजना बना करके काम किया जा रहा है, जिसमें 4,500 करोड़ रुपये मंजूर किए, प्रतिदिन 36.6 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूँ, पिछले समय में आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने एक घोषणा की थी, पूरे देश में मैं ऐसे वाहनों को विकसित करूंगा जिसमें अगर कोई शराब पी करके कोई ड्राइविंग कर रहा है तो वह गाड़ी नहीं चलेगी, और ऐसे वाहनों की जरूरत अभी देश में बहुत अधिक है जिसके कारण से दुर्घटनाएं बहुत होती है अधिक, और शराब और व्यसन करने से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं तो अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहले अगर चलाते हैं तो सबसे पहले मांग करता हूं कि ये गाड़ी हमको पहले दी जाए ताकि हमारे वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं वो कम हो, ऐसा मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं इस समय में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ए हमारे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आदरणीय गडकरी साहब ने स्वीकृत किया है, मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। और इस समय जनजाति बालु क्षेत्र में जो स्थितियां थी, जो भी ठेकेदार आता था वो ऐसे ही 1 इंच 2 इंच की गुणवत्ता का ध्यान रखते के सड़कें बनाई जाती थी, वो टूट जाती, लेकिन इस प्रकार से अटल जी के समय से अभी तक की जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो बड़ी गुणवत्ता से बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस समय में हमारे क्षेत्र के अंदर 927 से राष्ट्रीय राजमार्ग स्वरूपगंज से रतलाम वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा खेरवाड़ा स्वीकृत किया गया है, और इससे बहुत अधिक उस क्षेत्र के अंदर लाभ मिलने वाला है, और हमारा यानी कि वजवाड़ा से गढ़ी प्रतापपुर और सागवाड़ा तक का यह रोड प्रगति पर है, और आगे सागवाड़ा से खेरवाड़ा डूंगरपुर तक का यह रोड स्वीकृत है, उसको गति प्रदान की जा रही है। परंतु दुख का विषय यह है कि हमारे उस क्षेत्र में जिस प्रकार से यह जो अधिकारियों का जैसा रूढ़ी साहब बता रहे थे कि सर्वे करने के लिए बताई तो पूरा डामरीकरण का सर्वे करके बता दिया, और बीच में कहाँ उबड़ खाबड़ है, पानी कहाँ ज्यादा रहता है, भारी वाहन कहाँ आते हैं, ये सड़क टूटेंगी कहाँ पर, इस क्षेत्र का ध्यान में न रखा गया। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से यानी हमारा गढ़ी से आशापुरा मोड़ तक ये प्रतापपुर के अंदर जिस प्रकार से दोनों तरफ दुकानें व्यापारी हैं और पानी वहां बहुत रहता है, माही की केनाल के कारण से पानी सड़क पर जाता है, सड़कें टूटती हैं। हमारा वजवाड़ा में ये सीमेंट फैक्ट्री है और उसके अलावा भी हमारा तलवाड़ा के अंदर मार्बल भारी वाहन आते जाते हैं जिसके कारण से यह सड़क बहुत टूट जाती है। मांग की हमने, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ गडकरी साहब का कि हम जब भी कहीं उन्होंने ना नहीं कहा,
और यह 4.5 किलोमीटर सीसी सड़क के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति और उस कार्य को प्रारंभ करने में बड़ी तकलीफ हो रही है, जिसके कारण से दोनों तरफ यानी सड़कों का काम डामरीकरण हो रहा है, लेकिन बीच का 4.5 किलोमीटर जो है वो अभी इसीलिए कि सीसी सड़क होने वाला है, ठेकेदार बड़ा परेशान हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, और स्वीकृति जैसे ही अधिकारियों को निर्देश दिए लेकिन अभी इसमें विलंब हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इसमें बहुत ही जल्दी सीसी सड़क को स्वीकृत किया जाए 4.5 किलोमीटर, ताकि वहाँ के ग्रामीण जन इसका ठीक ढंग से लाभ ले सकेंगे और परेशानी से दूर होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कई सारे सुझाव आए, जिसमें हमारा जो 2-3 जो इस प्रकार से सड़कें 36 सड़कें हमारे CRF के अंदर स्वीकृत हुई, और उसके अंदर मेरे क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और पहली बार इस प्रकार की सड़कें गुणवत्ता से बनाने का काम निर्देश हुए इसके अनुसार निर्मित की जा रही है। परंतु मुझे एक तकलीफ इस बात की है कि जो ठेकेदार जिस प्रकार से ठेका लेते हैं वो सबलेट कर देते हैं, और सबलेट में और कम रेट में यानी 30-35% बिलो रेट डाल करके वो सड़कें की जा रही हैं, जिसके कारण से यह बहुत परेशानी होती है और सड़कों का काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता और वह बीच में रुक भी जाती हैं। जैसा हमारा किस समय मांडी से दम्बोला बिलुड़ा का रोड जो है अभी झगड़े में पड़ गया, क्योंकि वो सब लेट किया गया, उसने काम किया नहीं किया, अधिकारी ने पेमेंट कर दिया और उस सड़क को करे कौन, इस झगड़े के कारण से बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए इस प्रकार की स्थिति में ये जो सड़कें हैं उसके लिए कम रेट में न डाला जाए, ठीक ढंग से उनको पाबंद किया जाए ठेकेदारों को, जिसके कारण से सड़कें ठीक ढंग से हो सके। सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय मार्ग 927 के बीच में कुपड़ा में एक ओवर ब्रिज किया गया है, उसका गुणवत्ता से नहीं किया, कितनी बार दुरुस्त किया, कई मीडिया के लोगों ने बहुत उछाला, दिशा की मीटिंग ने हमने इनको कई बार कहा, लेकिन वो ठीक ढंग से अभी नहीं बना है। हमको शंका है कि इस प्रकार की जहाँ जहाँ ब्रिज बन रहे हैं वहाँ पर इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखा जाए और प्रारंभ में ही सड़कों के इस पुलियों को ठीक ढंग से देख करके बनाए जाए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारा माही पुल आता है बीच में, इस 927 के बीच में माही पुल 60-70 वर्ष हो गए और उसमें उसकी चौड़ाई कम है और हाईवे की चौड़ाई अधिक है और वहाँ पर पुलिया की रेलिंग है वो टूटी हुई है और दोनों तरफ से लोग डरते हैं, अब इसके साथ में खड़े कई लोगों की वहाँ मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके सेल्फी लेने गए लोग बाग कोई क्या उसके दीवार रेलिंग से पास में खड़े हुए और उसके कारण से कहीं 2-3 मौतें भी हो गई और अभी भी डर बना हुआ है कि मेरी मांग है कि जब इतना हाईवे बन रहा है तो उसके अंतर्गत ये पुलिये का निर्माण जो नया कर दिया जाए, जिसके कारण से की चौड़ाई भी बढ़ेगी और ये जो खतरा बना हुआ है उसके भी हमको कृपया समाप्त कीजिए, कृपया समाप्त कीजिए। दूसरी बात ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कुछ माननीय सांसदों ने पूर्व में कहा है कि टोल टैक्स जहाँ लगता है वहां पर 5-10 किलोमीटर के रेंज में व्यापारियों को कई बार आना जाना पड़ता है, तो अब कोई ना कोई राहत का रास्ता निकलना चाहिए, जिसके कारण से बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ इस ओर भी निश्चित रूप से ध्यान दिया जाए। दूसरी कमी ये नजर आती है, मेरा सुझाव है कि सड़क के दोनों तरफ हमारे उधर विलायती बबूल हो रहे हैं और विलायती बबूल इतनी झाड़ियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण से वो रास्ता रुक पानी जाने में रुकता है और नालियां ठीक ढंग से निर्माण नहीं, उनसे भी परेशानी समाप्त कीजिए और इसके लिए भी उसमें नियमित रूप से हर साल उसका ध्यान दिया जाए ठेकेदार के द्वारा, तो ये सड़कें नहीं टूटेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद। जय श्री DN कुरियाकोस जी। थैंक यू सर। अवर सेंट्रल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड क्राइटेरिया